हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज आपके लिए मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, पुरस्कार सम्मान 2023 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं इसमें कराने वाला हूँ। टोटल 80 क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते शुरू करते हैं। देखिए, पुरस्कार और सम्मान 2023, पुरस्कार सम्मान 2023 के बारे में आपको पूरी चीज़ें हैं बता दूँ मैं। इंपॉर्टेंट है 2023 में जिनको भी ये पुरस्कार दिए गए हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2023 में जितने भी पुरस्कार हैं उसमें से आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जान लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई और प्रॉब्लम ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता दें, दामोदर मौजो गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी के पटकथा लेखक। इन्होंने अपने उपन्यास कर्मलिन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है, आपने हाईलाइट करके रखना है ये वाला, जो है कर्मलिन के लिए 1983 में, 1983 वर्ष में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई है। बहुत सारे बच्चे यही कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 65 में हुई है या 67 में हुई है। तो 65 में हुई थी ये। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरुप। कई बार पूछा गया है कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम विजेता कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के? तो सही आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस ने जो है भारतीय नरेंद्र मोदी को ये अपने सम्मान से जो है सम्मानित किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने, यानी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ये वाली चीज़ याद रखनी है, पहले भारतीय जो फ्रांस का पुरस्कार जीतने वाले बने हैं वो भारतीय नरेंद्र मोदी बन गए हैं, प्रधानमंत्री भारत के। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, कई बार बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एनी पुरस्कार पूछा है बच्चों, तो एनी पुरस्कार किसको दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, थलपल जो है प्रदीप को जो है एनी पुरस्कार दिया गया है 2023 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपल्ली प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो है ऊर्जा अनुसंधान के जो नोबेल पुरस्कार है उसके रूप में जाना जाता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? ये तो पुरस्कार यह है जो है ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, शंकरी चंद्रन। जो शंकरी चंद्रन है इनको 2023 का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। चलिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, शंकरी चंद्रन ने नोबेल 4 टाइम्स एंड जो है सिनामोन गार्डन के लिए माइकल फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? ये साहित्य के क्षेत्र में, मैं ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ, कई बार पूछा गया है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है जो आपका भायखाला रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। हो सकता है स्टेशन का नाम पूछ लें कि कहाँ पे पड़ता है ये, तो आपका मुंबई में पड़ता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत जो है बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया जाता है बच्चों? ये संस्कृत जो है सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023, ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 ये याद रखना है आपको, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा माइकल रोसेन। माइकल रोसेन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। कई बार एग्जाम में आया है तो पेन
पुरस्कार भी आपका एग्जाम में आ सकता है, पेन प्रिंटर पुरस्कार वैसे इसका पूरा नाम है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोमेन, जो माइकल रोसेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। बच्चों ये गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें गीता प्रेस जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये इसमें दिया गया है, इसको दिया गया है। तो पूछा जा सकता है 2021, अब 2023 में जो है इसको दिया जाएगा। चलिए गाइस इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कुछ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है। कितने साल पुरानी? 100 साल पुरानी संस्था है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। गीता जो है प्रेस है एक, और वो 100 साल पुरानी है, और इस संस्था में जो है हिंदू धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो छपते हैं। बात करते हैं क्यों दिया जाता है ये जो पुरस्कार है, ये क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों को माध्यम से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण में योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उन संस्था हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जनरली संस्थाओं को दिया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2023 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, भारतीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक जो मंदिर और ट्रस्ट है यानी हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, करने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये कह सकते हैं आप। किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रतिगति और विकास के लिए काम किया हो, यानी कि आप समझ सकते हैं भारतीय नरेंद्र मोदी ने कितना कार्य किया है देश के लिए, तो उसके लिए इनको जो है दिया गया है। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सलमान रुश्दी के बारे में ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सलमान रुश्दी जो है प्रसिद्ध एक ब्रिटिश और अमेरिकी के जो है लेखक हैं जिनके लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से जो है सम्मानित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। सूरीनाम ने भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने जो है पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए इसके बारे में इफेक्ट जान लेते हैं। देखिए सूरीनामा जो है आपको पता होगा ये जो है एक देश है, और ये अलग तरीके से जो लीडर होते हैं जो अच्छे लीडर होते हैं उनको जो है ये अपना जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार जो है पुरस्कार प्रदान करता है, और ये पुरस्कार यहाँ का जो है सूरीनाम का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से, कितने साल बाद बच्चों? 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को आपको पता होगा दलाई लामा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दलाई लामा को 64 साल बाद ये पुरस्कार दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति कौन? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे की स्मृति में जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था, यानी कि शुरुआत इसकी 1958 से हुई थी। प्रथम बार जो है ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के जो पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति ये याद रखना है आपको, रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे, प्रथम जो व्यक्ति थे वो विनोबा भावे थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र का है, तो एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लुईस कैफरिल, जो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लुईस कैफरिल को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2023 का एबल पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है एबल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जो है अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक नॉर्वेजियन जो पुरस्कार है, इसका नाम नॉर्वेजियंस गणितज्ञ नील्स हेनरिक
नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। कई बार ये नाम भी पूछा गया है, तो ये इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमिना मिस इंडिया जो है आपका, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नंदनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नंदनी गुप्ता ने जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है जीता है। चलिएगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जिससे आपको पता रहे। देखिए नंदनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है, 59वीं जो है मिस इंडिया बनी है। नंदनी गुप्ता जो है भारत की हैं और ये 59वीं जो है मिस इंडिया बनी है। नंदनी गुप्ता राजस्थान की कोटा शहर की रहने वाली है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की रहने वाली हैं, तो राजस्थान के कोटा शहर की जो है नंदनी गुप्ता रहने वाली हैं, मिस इंडिया बनी है और 59वीं हैं ये। और मिस इंडिया 2022 कौन थी बच्चों, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आपका सैनी सेट्टी जो है 2022 की मिस इंडिया थी, मिस जो है मिस फेमिना मिस इंडिया जो है थी 2022 की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंजम उड़ीसा। गंजम जो है उड़ीसा में पड़ता है, तो इसने जो है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो है ये जीता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, कुछ और भी पॉइंट इसमें हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये भी पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो है ये चंडीगढ़ ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है भद्रदही कोठागुड़ी जो है तेलंगाना में पड़ता है, ये इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का। बात करते हैं मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता है, तो आकाशवाणी ने जीता है और आकाशवाणी गुवाहाटी ने जो है ये दूसरा जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये वाला पुरस्कार, तो सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। मैं ऑलरेडी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था लेकिन उसके बाद भी मैंने लिख दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? देखिए दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा भोसले। आशा भोसले को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 2022 में दिया गया था इनको। तो ये भी पूछा जा सकता है पहले जो दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है वो किसने जीते थे प्रथम बार, तो नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली जो महिला है, पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार जीता है इन्होंने। देखिए यहाँ पे ये वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली यानी कि भारतीय वायुसेना की जो पहली बनी है दीपक मिश्रा, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत, मध्य प्रदेश में जो बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वीरता दिखाई है, असाधारण जो कोई दिखा नहीं सकता, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये फिक्शन 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है फिक्शन के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी कि इन दोनों को जो है दिया गया है ये पुरस्कार। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बार्बर जो किंग्सलेवर है ये महिला है, ने डेमन कॉपरहेंड जो उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हर्नर डियाज जो है पुरुष हैं, इन्होंने नेट ट्रस्ट उपन्यास के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, प्रवासी भारतीय सम्मान जो दिया जाता है वो 2023 में किसे दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राज सुब्रमण्यम को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए राज सुब्रमण्यम जो है फिडिक्स के CEO भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये जो है CEO हैं फिडिक्स के। चलिएगा देखिए पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया, पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एलन चिपरफील्ड को ये पुरस्कार जो है दिया गया है, पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ के ये जो है रहने वाले हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के जो है ये रहने वाले हैं। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार, देखिए पुलित्जर पुरस्कार
वास्तु जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा जो है दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं इसकी स्थापना जो है शिकागो के पुलित्जर परिवार ने 1979 में अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को या संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 106 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं उस चीज़ को हाईलाइट करता जा रहा हूँ आपके लिए, जिसपे आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये पूछा जा रहा है। तो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो 106। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण यानी 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण दिए जाएंगे और 91 पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये डाटा आपको याद रखना है। 106 पद्म पुरस्कार हो गए हैं आपके, और 6 जो है पद्म विभूषण हो गए हैं, और 9 आपके पद्म भूषण हो गए हैं, 91 आपके पद्म श्री पुरस्कार हो गए हैं। पुरस्कार पाने वालों में इसमें बोला है यहाँ पे, पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, 19 महिलाएं हैं, 7 लोगों को मरणोपरांत यह जो है मिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है क्या बताया गया, 7 लोगों को मरणोपरांत जो है ये दिया गया है। पद्म विभूषण विजेता के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे जो है विजेता के नाम हैं, जिसमें आपका मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत मिलेगा, बालकृष्ण देसी को जो है मरणोपरांत मिलेगा, जाकिर हुसैन को और MS कृष्णन को, दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत मिलेगा, और श्रीनिवास वर्धन को भी ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कल्याणपुरी राधाकृष्ण राय को, ऑप्शन है कल्याण मुंडी जो राधाकृष्ण है इनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मार्कोनी पुरस्कार 2023, 23वां क्वेश्चन है आपका, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरि बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि हरि बालकृष्णन को जो है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है। बच्चों ये पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलिया मीर, आलिया मीर को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आलिया मीर कहाँ की रहने वाली हैं। बच्चों ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, पूछी जा सकती है आपसे आलिया मीर कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू कश्मीर की। किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा, रतन टाटा को जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023, ऑस्कर पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ब्रेडेन जो फ्रेजर फ्रेजर है इन्होंने ये अवार्ड जीता है। चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें किस फिल्म के लिए दिया गया है बच्चों इन्हें ये अवार्ड, किस फिल्म के लिए दिया गया, तो द वेल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इसे किसे दिया गया है, तो मिशेल योहे जो है हांगकॉन्ग की है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटर पुरस्कार 2023 से किसे
जो है किस मंत्रालय ने जीता है, तो पॉटर पुरस्कार 2023 ये जो मंत्रालय होते हैं ये इसके लिए जो है बाध्य होते हैं, वो जीतते हैं इसको। तो सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पॉटर पुरस्कार 2023 है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। क्यों दिया जाता है बच्चों ये पुरस्कार, ये भी पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कोविड-19 के जो नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिया जाता है। जो कोविड-19 हुआ था उसमें जो नियंत्रण और रोकथाम के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों ये, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिखाते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिप्जिक जो पुरस्कार है, लिप्जिक बुक पुरस्कार किसको दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है लिप्जिक पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मारिया स्टोपनोव, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मारिया स्टोपनोव को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्यों दिया जाता है बच्चों ये भी पूछा जा सकता है ये क्यों दिया जाता है। तो कविता संग्रह जो गर्ल्स विदाउट जो है क्लॉथ्स के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। तो मुंबई ने ये लगातार जो है दूसरी बार जो है ये खिताब अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। तो सबसे पहले जो है मुंबई को 2019 में दिया गया था, अब जो है 2022 के लिए लगातार दूसरी बार भी जो है ये पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों बार इन्होंने जीता है तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 32वें व्यास सम्मान 2022, देखिए व्यास सम्मान जो है 2022 का दिया गया है कि लेखक को किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसमें नोट डाउन करके लिख सकते हैं ये वाला कि 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं ज्ञानी जो है ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक हैं, पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 की व्यास उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान दिया गया है। इनकी पुस्तक जो थी यानी कि उपन्यास था इनका जो है वो है पागलखाना, जिनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए गाइस कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं व्यास सम्मान के बारे में। यहाँ पे आपको बता दूं मैं, देखिए व्यास सम्मान जो है पुरस्कार यह साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान में जो दिया जाता है, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। यह साहित्य कार्यों के लिए दिया जाता है जो हिंदी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुए हैं, यानी जो 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है उसमें जो प्रकाशित हुए हैं उसमें जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार यानी कि व्यास सम्मान दिया गया था। 1991 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास जो है भारत के हैं ये, इनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया था। पूछा जा सकता है कहाँ की ओर से दिया गया, तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2023 में जो है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किसी समाचार पत्र में के कर्मचारियों को जो है सम्मानित किया गया है। तो आंसर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और पत्रकारिता साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, अमेरिकी प्रकाशित जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए गाइस प्रतिष्ठित जो है संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए प्रसिद्ध संतोखबा मानववादी जो है पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनम वांगचू को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिवशंकरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, शिवशंकरी को यह पुरस्कार जो है दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, देखिए तमिल लेखिका शिवशंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से
सूचीबद्ध भारत में 22 भाषाओं में से किसी एक उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए वार्षिक रूप से यानी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स 2022 के खिताब से किसने जीता है, यानी मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, आर जो है बोनी गोब्रेल, अमेरिका के हैं ये, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, का पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार राव। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, किस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया, तो बधाई दो, फिल्म के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट इसमें हैं और गंगूबाई काठियावाड़ का जिन्होंने किरदार निभाया था फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा को दिया गया था, इसका जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2023 यानी बाप्टा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज जो है आस्टिन बटलर ने यह पुरस्कार जो है जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, किस फिल्म के लिए दिया गया बच्चों इनको, तो एली एलिवीस जो है इस फिल्म के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर मैं बात करता हूँ तो केट ब्लैंचेट जो है स्टार फिल्म के लिए है, इसमें फिल्म के लिए दिया गया है इनको। बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करता हूँ, बेस्ट फिल्म कौन सी है इसमें, तो ऑल क्वाइट जो है क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रॉट जो है ये फिल्म है जिसके लिए इनको दिया गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं किस फिल्म के लिए जीता गया था ये, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन जो है शिवा, इसके लिए दिया गया था इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है इसमें गंगूबाई के लिए। और फिल्म की बात करता हूँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपकी RR यानी RRR जो है ये फिल्म है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ के लिए दिया गया है। गोल्डन पिकॉक, पर्यावरण जो है प्रबंधक प्रबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आंसर आपका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा, अडानी जो ट्रांसमिशन है लिमिटेड, इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है, प्रबंधन पुरस्कार जो है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित के ग्रामीण आजीविका मिशन के स्कॉच पुरस्कार जीता है, यानी स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जो है ये पुरस्कार जीता।